मतदान की तैयारी में जुटी है मध्य प्रदेश बीजेपी। बूथों में रात गुजारेंगे मंत्री, सांसद और विधायक। 1 से 12 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलेगा। सीएम से लेकर मंत्रियों, सांसद और विधायक गांव जाएं। प्रदेश में 53,000 गांव और करीब 44,000। इसके साथ ही शहरवाद गांवों की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। मंदिरों में प्रभावशाली लोगों पर फोकस भी रहेगा। और देखिए मंदिरों में मंदिरों को और इसके साथ ही प्रभावशाली लोगों पर भी फोकस रखा जाएगा। तो बीजेपी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। गांव चलो अभियान की तैयारी में है पार्टी और ऐसे में बूथों में मंत्री, सांसद और विधायक रात गुजारेंगे। 1 से 12 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलने वाला है। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों, सांसद और विधायक जो कि गांव-गांव पहुंचेंगे। प्रदेश में 53,000 गांव और करीब 44,000 शहरी वार्ड हैं। गांवों की भी अलग अलग कैटेगरी बना दी गई हैं। मंदिरों पर और प्रभावशाली लोगों पर विशेष फोकस पार्टी करेगी और ऐसे में जन जन तक पहुंचने के लिए एक और नया अभियान जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है, गाँव चलो अभियान मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ हमारे सहयोगी रंजना दुबे सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। रंजना, हर एक जन तक पहुंचने के लिए खास तैयारियां बीजेपी कर रही है कि लोकसभा चुनाव ऐसे में जन जन तक पहुंचना है। गांव चलो अभियान कितना सफल साबित हो सकता है और क्या कुछ इसकी पूरी प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से लोगों के बीच पहुंचा जाएगा? ऋतु, मध्य प्रदेश की अगर ज्यादातर आबादी की बात करी जाए तो वो ग्रामीण इलाकों में रहती है और गांव की जो आबादी है यानी ग्रामीणों के बीच में अपनी पैठ को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है जो कि 12 फरवरी तक चलेगा। लेकिन इसमें 9, 10 और 11 फरवरी को जो बड़े नेता है, खास करके सांसद, मंत्री, विधायक और खुद मुख्यमंत्री 24 घंटे के लिए ग्रामीण इलाकों में पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम जन है उनके साथ संवाद करेंगे और वहां पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, साथ ही जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने को लेकर जो चर्चा है वो की जाएगी कि आखिर जो आम जन है उनको योजनाएं पहुंच रही हैं और अगर पहुंच रही हैं तो उनका लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं, और अगर लाभ नहीं मिल रहा है या किसी तरह की कोई समस्याएं आ रही है तो उनका समाधान खोजने की जो कोशिश है वो की जाएगी। और इसी तरह से जो वोटिंग प्रतिशत है उसको बढ़ाने का जो लक्ष्य है ग्रामीण इलाकों में उसको बढ़ाने की दिशा में भी जो चर्चा है वो इस अभियान के तहत की जाएगी। कुल मिलाकर हर एक एक वर्ग पर फोकस है और शहरी इलाकों में ज्यादातर ध्यान चला जाता है लेकिन ग्रामीण इलाकों में अक्सर जो चीजें हैं वो उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती जितनी अपेक्षा की जाती है। तो ऐसे में अब शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अपनी मजबूती को और ज्यादा बढ़ाने और सीधा संपर्क स्थापित करने की दिशा में ये जो अभियान है वो चल रहा है और इसका मकसद सिर्फ यही है, बूथों को मजबूत करना, वोट प्रतिशत बढ़ाना और आम आदमी के साथ जो संपर्क है उसको और ज्यादा मजबूत करना है। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल रंजना, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इसी के साथ देखिए कि गांव-गांव पहुंचने की कोशिश अब पार्टी करेगी और चलिए आगे बढ़े।